एटमॉस्फेयर जो बच्चों को मिलना चाहिए स्कूल्स में उसको लेते हुए ये चेंजेस लाए हैं। आपने जब मेंशन किया राइट टू एजुकेशन, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे देश के जो राज्य हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, अच्छी तरह डेवलप नहीं है, कई तो अंडर डेवलप्ड है, तो उसमें जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको ये राइट टू एजुकेशन का किस हद तक उनके लिए बेनिफिशियल होगा? जहाँ तक मेरी जानकारी है, आजकल सरकार ने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सब गांव-गांव में मेरे ख्याल सरकारी स्कूल्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है। एक प्राइमरी स्कूल तो मेरे ख्याल हर एक गांव के आसपास, दो तीन गांवों में एक प्राइमरी स्कूल है, और मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल्स हैं तो सरकार की तरफ से। तो ये स्कूल्स जो हैं एक बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसका फ़ायदा उठाने के लिए टीचर्स की शॉर्टेज है, ब्लैक बोर्ड्स की शॉर्टेज है, कभी फर्नीचर की शॉर्टेज होती है, और कई कई जगह में बाथरूम्स की शॉर्टेज है, और बाथरूम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गर्ल्स है, बाथरूम्स होने ज़रूरी होते हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें, और टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स वगैरह में ध्यान दें, तो बाकी हमारे स्कूल्स तो हैं, और एजुकेशन बोर्ड्स जो हमारे स्कूल के हैं हर एक बच्चे तक पहुँचने चाहिए, और मेरा ख्याल वो है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा और हमें ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ये एक जो रियलिटी हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ अमीर वर्गों के लिए या प्रिविलेज वर्गों के लिए या राजधानी वाले स्कूलों के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूलों के लिए ना हो, पर गांव-गांव में बच्चों को फ़ायदा मिले। आई थिंक सो दैट वो बहुत बहुत ज़रूरी है।